जय भीम। लोगों को दस साथियों, मैं मेघलालबाद, आप देख रहे हैं लाइव टीवी। आज हम बात करने आए हुए जो झारखंड में चल रहा है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। क्योंकि मुख्यमंत्री सृजन योजना जब से सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार ने जब लाई, तो उसके माध्यम से कितने भी आवेदन है, बहुत सारे आवेदक ने आवेदन फॉर्म किया, लेकिन कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं कहीं नहीं मिल पा रहा है, कहीं लाभों को ले नहीं पा रहे हैं, तो किस तरह का समस्या आ रहा है। हमने इससे पहले दो ठो वीडियो हम बना चुके थे इस पर, तो कई तरह से कमेंट बॉक्स में आया था क्वेश्चन कि कब मिलेगा, कैसे आवेदन करें, क्या करें, कहां जाएं। तो उसी के लिए हम जितने भी हमारे दर्शक हैं, हम सभी दर्शकों को जानकारी देने के लिए फिर से इस वीडियो को बनाने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि उनके जितने भी डाउट्स हैं सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप अंत तक बने रहिएगा, चूँकि इस वीडियो को हो सकता है लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन का हम आंसर देंगे कि आप मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जो है झारखंड सरकार की द्वारा चलाई गई एक स्कीम है, और इसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहाँ कर सकते हैं? आप कल्याण विभाग में, ऑनलाइन ऑफलाइन होता है, लेकिन आपको बेहतर होगा कि ऑफलाइन अगर आवेदन करते हैं तो जितने भी तरह से कागजात है उसको सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य यही है कि जितने भी झारखंड में शिक्षित बेरोजगार लोग इधर उधर भटक रहे हैं, उसका रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उसको रोजगार देने का एक उद्देश्य है। साथ ही साथ जो झारखंड में जितने भी रह रहे बेरोजगार दूसरे राज्य में जाके रोजगार पाने के लिए विवश है, तो उसको रोकना ये झारखंड सरकार की द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। लेकिन गांव ग्रामीण के लोग इसका लाभ पूर्ण रूप से ले नहीं पाता है, तो त्रुटि कहाँ रहता है? त्रुटि देखिए, इसको आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप ब्लॉक में कल्याण विभाग होता है, वहाँ पर आप जानकारी लेके वहाँ से फॉर्म आप ले सकते हैं। फॉर्म आपका एक अभी नया फॉर्म आया हुआ है, उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और आपका जो विकलांग है वो आवेदन कर सकते हैं, उसमें फॉर्म में उसमें लिखा हुआ है। अब इसमें आप 50,000 से लेके 25 लाख तक ले सकते हैं। 50,000 तक लेते हैं तो कोई गारंटर नहीं लगेगा, 50,000 से ऊपर आप लेते हैं तो गारंटर लगेगा। इस तरह हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके थे, अगर अभी तक नहीं देखे तो हमारे चैनल में जाके आगे देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अभी हमारे जो जितने दर्शक हैं, अगर आप हमारे चैनल में अगर नए हैं, पहली बार आए हुए, तो आप उसका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, ताकि जितने भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे, और साथ ही साथ लाइक अवश्य करें, और जितने भी डाउट अपना कमेंट अवश्य करें। तो चलिए हम देर ना करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन ऋण कितने दिन के अंदर मिल जाता है, इसका सवाल था आवेदन करने के पास। तो आपको सबसे पहले जो फॉर्म है, फॉर्म आपको दिखाते हैं। ये आपका फॉर्म ये हो गया, इसमें फॉर्म है एक भौतिक सत्यापन। भौतिक सत्यापन में टोटल एड्रेस है, उसमें क्या है कि आप जितने जो जनप्रतिनिधि है उसका भी आप उसमें साइन मोहर लगा सकते हैं, तो कर्मचारी या तो आपका पंचायत है उससे भी साइन करा सकते हैं, और कई कई जिलों में तो ये सबका साइन भी नहीं मांगता, और जो पदाधिकारी चाहता है कि समाज आगे बढ़े तो वो पदाधिकारी तुरंत कार्य वो कर देते हैं। दूसरा है ये फॉर्म ये है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एंड दिव्यांग, ये फॉर्म हो गया आपका नया। इसमें क्या है कि आप जब टोटल भरेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स भरने के बाद आपका फिर आएगा नेक्स्ट आगे, इसमें सारा चीज़ आपका दिया हुआ है कॉलम। तो कॉलम इसमें आप फॉर्म जब प्राप्त करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो जाएगा। हम पूरा फॉर्म में डिटेल ना जाके हम थोड़ा आपको हिंट्स देते रहे, ताकि आपको कंफ्यूजन आपका दूर हो सके। नेक्स्ट है यहाँ पे भरने के लिए कौन सा कागजात लगेगा। कागजात सबसे पहले आपको हम डाउट क्लियर कर देते हैं। कागजात यदि आप 50,000 तक लेते हैं तो एक लाख तक था, एक लाख तक बिना गारंटर का था, लेकिन पेपर में भी दिया हुआ था मुख्यमंत्री जी, वो ट्वीट करके भी बोले थे, लेकिन पदाधिकारीगण को
क्या होता है कि कल्याण विभाग में उतना भी जो SC ST OBC माइनॉरिटी को ठीक से उन लोग मतलब कॉपरेट भी नहीं करते हैं। पदाधिकारी से हम लोग भी बात किए तो बोला नहीं ऐसा कोई नोटिस नहीं आया हुआ है नोटिफिकेशन जिसकी वजह से हम नहीं थी करेंगे। तो पदाधिकारी की गलती है जब सरकार ने जब इस तरह के जब स्कीम लॉन्च किया तो उनको सारा कागजात दिया गया लेकिन पदाधिकारी चाहते हैं कि लोग ना लेके लोग विकास ना करें और SC ST खास करके लोग हमेशा पिछड़ जाए। ऑलरेडी तो पिछड़ा हुआ है लेकिन फिर भी पिछड़ जाए। अब जैसे हो गया कागजात आपको लेने के लिए आपको इसमें कागजात जाति प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र आपका डॉक्यूमेंट ये तीन को लगेगा। उसके पास जो आवेदक है आपका पैन कार्ड आधार कार्ड फोटो दो फोटो भी उसमें सटेगा दो फोटो लगेगा बैंक पासबुक लगेगा। उसके बाद आपका जो वोटर आईडी कार्ड आप लगा दीजिए यदि राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी लगा दीजिए। अब आपको ये आवेदक के लिए है। अब यदि अगर 50,000 से ऊपर लेते हैं तो आपको गारंटर जो दिया हुआ है गारंटर में भी थोड़ा आसान कर दिया गया है। गारंटर में आपका गारंटर का ये फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म के साथ ही मिलेगा। तो गारंटर का प्रमाण पत्र यहाँ पे भराएगा उसका एड्रेस भराएगा परमानेंट एड्रेस और एक अस्थाई एड्रेस दोनों उसका गारंटर का भराएगा। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे गारंटर किस तरह बन सकता है तो गारंटर आपका सरकारी हो सकता है अर्ध सरकारी हो सकता है निजी संस्था में कार्यरत कर्मी की विवरणी है आपका ये सब जो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो भी गारंटर बन सकता है अर्ध सरकारी भी बन सकता है और निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो भी गारंटर बन सकता है। नेक्स्ट है आयकर दाता की विवरणी जो टैक्स भरता है ITR रिटर्न फाइल जो करते हैं वो भी गारंटर आप दे सकते हैं। और नेक्स्ट है निर्वाचित जन प्रतिनिधि गारंटर की विवरणी निर्वाचित जो निर्वाचित हो चुके हैं या तो जो पहले से भी है जैसे मुखिया हो गया वार्ड हो गया और जो जनप्रतिनिधि पंचायत समिति हो गया ये सब भी आपका गारंटर बन सकता है इसका भी कॉलम दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि सेवानिर्मित कर्मी गारंटर दाता की विवरणी अब इसमें जो जॉब से रिटायर्ड कर गया है नौकरी से वो भी गारंटर बन सकता है इसका भी कॉलम दिया हुआ है। यदि आपको कोई तरह से गारंटर नहीं मिल रहा है कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहे तो आपको यह जमीन संबंधित दिया हुआ ऋण राशि के विरुद्ध चल अचल संपत्ति के गारंटर गारंटी की विवरणी आप अगर जमीन कागजात है तो वो भी आप इसमें देकर आप गारंटर बन सकते हैं इसमें आपका पूर्ण रूप से दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका आवेदन करने के लिए जब इतना सब डॉक्यूमेंट्स जब आप फिलअप कर लेंगे तो आपको एक नॉन जुडिशियल पेपर का आपका कोर्ट से एफिडेविट कराना पड़ेगा और नॉन जुडिशियल को उसमें आप पेपर में लगा कर आप उसमें कंप्लीट करके आप जमा कहाँ करना है जमा करने के लिए आपका ब्लॉक में कल्याण विभाग होता है। कल्याण विभाग जाने के बाद यदि आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा कल्याण विभाग है कहाँ तो आप जाइए और ब्लॉक में आप वीडियो से संपर्क कीजिए। वीडियो से संपर्क करने के बाद बोलिए कि हमको इस तरह ऋण जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जो चल रहा है उसको हम आवेदन कर रहे हैं ताकि सही समय पर लेके हम रोजगार कर सके तो वो बता देंगे कि कल्याण विभाग यहाँ पे और इस पदाधिकारी के पास जमा करना है तो आप वहाँ पे जमा कीजिए। आप डायरेक्ट भी जमा कर सकते हैं जिला में लेकिन वहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि जो कुछ प्रोसेस होता है जो गवर्नमेंट का कुछ रूल्स है वहाँ से वीडियो साहब का सबसे साइन होकर सब आता है और जाके वहाँ पे जमा होता है। अब सवाल है ये सब आवेदन करने के बाद कितने दिनों के अंदर मिल जाएगा तो देखिए आप अगर गूगल में जाएंगे सरकार का नोटिफिकेशन अगर देखेंगे तो उसमें दिया हुआ 15 से 20 दिन के अंदर आपको ऋण मिल जाएगा कल्याण विभाग के माध्यम से। लेकिन डिपेंड करता है ये कि आपके जो पदाधिकारी आपके क्षेत्र में जो पदाधिकारी है वो किस तरह कार्य करते हैं क्या जल्दी काम कर रहे हैं क्या पेपर आपको जल्दी सरकार के पास भेज रहे हैं या तो देर कर रहे हैं। कई कई जगहों में हम लोग ने देखे हैं और बहुत तरह से क्वेश्चन भी आए कमेंट बॉक्स में और लोगों का सवाल था कि हमने तो साल भर से आवेदन किया है लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है
तो क्या कारण है? तो कारण है, देखिए आप जब आवेदन करेंगे तो थोड़ा आपको विभाग लगे रहना होगा, ब्लॉक में भी, ब्लॉक में जैसे जमा दिए तो आप वहाँ बीच बीच में दो चार दिन के बाद जाके पदाधिकारी से मिलिए कि हमने जो फॉर्म आवेदन किए हुए हैं तो जिला भेजा गया कि नहीं। कुछ पदाधिकारी होता है कि फॉर्म इधर उधर कर देता है, बहुत तरह से फॉर्म रहता है वहाँ पे, इधर उधर खो जाता है और उन लोग लापरवाही काफ़ी भी उन लोग करता है। अगर मान लें ब्लॉक से अगर चला गया जिला में, तो जिला में भी आप जाके संपर्क कीजिए कल्याण विभाग में, विभाग में कि हमने जो फॉर्म आवेदन किए थे ब्लॉक से आ चुका है यहाँ पे जिला में, तो क्या आपने फॉर्म आवेदन सरकार के पास भेज दिया है या नहीं भेजे है, तो इस पर थोड़ा कार्रवाई कीजिए। क्योंकि होता है लापरवाही, सरकार की ओर से कुछ स्टेप लेना चाहिए कि योजना हमने अगर लॉन्च कर दिए है तो क्या उसको जन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, तो सरकार का भी कहीं ना कहीं गलती है। अगर इस पर अगर कुछ स्टेप अगर ठोस कदम अगर उठाते तो जनता को परेशान नहीं होता और सही समय पे मिल जाता है। यदि पदाधिकारी अभी तक अगर नहीं आपके फॉर्म अगर भेजे हुए हैं तो आप कंप्लेन कीजिए, आपके वहाँ डीसी बैठते हैं, वो डीसी के पास कंप्लेन कीजिए कि हमने इतना दिन हो गया फॉर्म और अभी तक नहीं मिल पाया है, यदि सही समय पर ना मिले तो हम रोजगार कम करेंगे और कब आगे बढ़ेंगे। तो डीसी के पास कंप्लेंट करने के बाद अब आप वहाँ पे उसको डीसी जो सब पदाधिकारी पर कार्रवाई करेंगे, तुरंत हो जाएगा। बशर्ते आप फॉर्म आवेदन करने के बाद आप चुपचाप रहते तो आपका कुछ गलती है। क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए, अगर खास करके आप एससी और एसटी हैं तो बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुजन समाज में अक्सर बिना लड़ के कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि संविधान में जो बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान दिए उसमें हर तरह से हक अधिकार है, लेकिन आप इतिहास पलट के देखिए कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है, अधिकार जो सो उतना जल्दी से नहीं मिलता है। क्योंकि मनुवाद लोग बैठा हुआ है, वो नहीं चाहता है कि ये लोग आर्थिक विकास करें, जिसके कारण इस तरह का समस्या झेलना पड़ता है। तो आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। हमने एक और ट्विटर ग्रुप हम बनाने वाले हैं, यदि आप लोग ट्विटर ग्रुप अगर हम ये बनावें और यदि आप सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, ताकि हम आपको ट्विटर ग्रुप में भी ऐड करेंगे। क्योंकि ट्विटर संबंधित हम आपको हल्का सा चर्चा कर दे रहे हैं, चूँकि ट्विटर हम बाद में उसका बनाएंगे। क्योंकि ट्विटर क्या है कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप डायरेक्ट आप तो सरकार के पास तो मिल नहीं सकते हैं, तो सरकार के पास अपने बात को पहुंचाया जा सकता है जितने तरह से। यदि मान लें आपको लोन आवेदन किया नहीं मिला मिल रहा है, हर कोई पदाधिकारी आपसे और कुछ का डिमांड कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप डायरेक्ट सरकार के पास ट्वीट कर सकते हैं और उसका जो पर्दाफाश कर सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत हम चाह रहे थे कि इस वीडियो को बना दें, और हमने और दो वीडियो बनाए हुए हैं। इसमें क्या है, एक चीज़ और कि आप अगर 50,000 लेते हैं तो 50,000 में से 40% अनुदान है, 1,00,000 में 40,000 आपका छूट है, तो 1,00,000 में 40,000 छूट है, तो बचा आपका 60,000 आपको चुकाना होगा, और आपको 5 साल के अंदर चुकाना होगा, और हो सकता है अधिक भी समय दे सकता है, लेकिन कल्याण विभाग के द्वारा डिपेंड पड़ता है कि कल्याण पदाधिकारी किस तरह से कॉपरेट करते हैं, एक वहाँ पे डिपेंड है। और आपका जो 40% छोड़ के जो बचेगा उसको 6% मतलब सालाना ब्याज भी लेता है। तो इस तरह से स्कीम है, और अभी तक आप अगर इस स्कीम को आवेदन नहीं कर पाए और आप बेरोजगार हैं, आप इधर उधर भटक रहे हैं, तो आप यहां से लेके आप रोजगार कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा था कि मतलब ये बैंक देती है या सरकार, क्योंकि पहले दो तरह से एक स्कीम चलता है, पीएमजीपी और सीएमजीपी। सीएमजीपी हो गया ये मुख्यमंत्री वाला, और पीएमजीपी हो गया आपका प्रधानमंत्री वाला। तो ये प्रधानमंत्री वाला हम नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं झारखंड सरकार के द्वारा जो स्कीम चल रहा है। क्योंकि आपका जो पीएमजीपी प्रधानमंत्री वाला है, आप उद्योग विभाग से यदि आप भरते हैं तो होता है क्या है कि आपने जितना भी लोन के लिए आवेदन किए हुए हैं तो उसमें आप आवेदन करने के बाद आपको डायरेक्ट पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि आपने अगर 10,00,000 भरे हुए तो जो सामान लेंगे तो उस दुकान में आपका पैसा चला जाएगा, आपको कैश उतना नहीं मिलेगा। तो ये पीएमजीपी प्रधानमंत्री के द्वारा वो स्कीम है
लेकिन मुख्यमंत्री वाला में क्या है, जो अभी झारखंड सरकार अभी जो चला रही योजना वो मुख्यमंत्री के द्वारा क्या है कि आप जब आवेदन करते हैं तो आपको बैंक नहीं देते हैं, आपको झारखंड सरकार दे रही है, जो झारखंड सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी दे रहे हैं। झारखंड सरकार ये स्कीम चलाए हुए हैं ताकि वो लाभ ले सके, डायरेक्ट कल्याण विभाग के माध्यम से आपके खाते में पैसा दिया जाएगा। तो आप यदि अभी तक आवेदन नहीं किए तो आप आवेदन कर सकते हैं और यहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। और जरा अधिक से और इस वीडियो को अगर आपको लगे हेल्पफुल और आपके लिए काफ़ी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तेजी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को तो अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि जितने भी गांव ग्रामीण के लोग हैं इस लाभ को ले सकें। और जो जो आवेदन जो फॉर्म किए हुए हैं तो हमने जो बताए आप इस आप वहाँ पे कंप्लेन करें और आपके अगर अगल बगल में कोई तरह से नेता है तो उन लोग को भी थोड़ा संपर्क करें, क्योंकि आपका जब वोट का समय आएगा उस समय आपको वोट लेने के लिए आएगा आपके 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 पास और बोलेगा कि हमको वोट दीजिए कि जो कीजिए। तो अभी उसको आजमाइए कि हमने ये आवेदन किया अभी तक नहीं मिल पाए तो क्या हमें दिला पाएंगे कि नहीं, इस तरह से उसको भी थोड़ा जांच परख कीजिए उस जो नेता है उसको। तो इस तरह से आप ले सकते हैं और हम बहुत जल्द ही हम एक ट्विटर ग्रुप बनाने वाले हैं और उस ट्विटर ग्रुप से अगर जुड़िएगा तो हम क्या करेंगे कि टोटल डायरेक्ट जिस क्षेत्र में जो आवेदन किया अभी तक नहीं मिल पाए थे तुरंत उनका हम सरकार के पास उसका रिपोर्ट हम भेज पाएंगे। तो यही मेरा उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का। और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आप वहाँ से लेके लाभ आप अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं। और चलते चलते हम इतने में ही समाप्त करने चाहते हैं। अभी हाँ फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। मैं मेघवाल बहुत थैंक यू धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। जय भीम नमो भारत।